हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सुबह के जहाँ में आप सबका स्वागत है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज सुबह, और पापा अम्मा बढ़िया बालकनी में बैठ के बातें कर रहे हैं। उठिए, उठो, उठो। जाने की तैयारी और सभा कर रही मेरी शेड्यूल प्रेस। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सभा के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ की दुआ करूंगी। हम सब एकदम ठीक है, बस हम निकलने लगे बाहर जाने के लिए, तो सोचा अम्मा ने चूड़ियां लेके आई है, मैं वो पहन लेती हूं और मैच भी कर गई है। इत्तेफाक देखिए, मैं भी रेडी हो गया हूं, सभा भी रेडी हो गई है, निकलते हैं। सर आप तो हमारा नीचे मम्मी को लेके, मम्मी भी तैयार, सभा भी तैयार, सब तैयार। फोन हमारे पास, जब तक सनी अम्मा पापा लोग कार में बैठेंगे तब तक मैं अम्मी पापा से मिल के आती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे अभी तबीयत खराब है, फिर भी ऐसा पता नहीं क्या करने में लगी हुई है। सूख जाते फिर जमाने पड़ते हैं उनको। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, फिर आके मैं। ठीक है। तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल। तो भाई आ जाओ। डॉक्टर को अलहमदुल्ला दिखा दिया है, फ्रेंड्स ने टेस्ट लिखे हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से जैसे हैं वो हो जाएंगे टेस्ट वगैरह और सारा कुछ सही हो जाएगा। और पापा को ना थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मदा में किसी ने कह दिया कि अगर आप मशीन लगवाओगे तो आपका वो भी सुनना बंद कर देगा। तो वो नहीं करा रहे थे टेस्ट, तो डॉक्टर ने बोला जरूरी है। अभी लगी है सबको भूख, तो हम लोग पियेंगे चाय, अम्मा पियेंगे जूस, और सब और अम्मा यहाँ बैठ के पता नहीं कौन सी दुख दुख की बातें कर रही है। इरफान लोग गए हैं अंदर। फिर आ गई थी हम सबकी चाय, यहाँ पे कैंटीन में बहुत अच्छी चाय मिलती है, तो हमने सोचा चाय पी के चलते हैं। और प्यारी सी कैट भी वहाँ पे घूम रही थी और शायद वो भूखी थी, तो हमें समझ में नहीं आया हम उसे क्या खिलाएं। हमारे पास ब्रेड बटर जैम था, वो हमने उसे दिया। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि बिल्ली को ये देना है नहीं देना है, लेकिन क्या देना है वो भी नहीं पता था, तो वो यही दे दिया क्योंकि वो अच्छे से खा रही थी इसको। तो यहाँ पे हमने चाय पी ली है और अभी चलते हैं कहीं और। तो अभी हम आ गए हैं लोखंडवाला में फूड एंड रेस्टोरेंट, क्योंकि हम यहाँ से बहुत करीब थे, लंच का भी टाइम था, तो हमने सोचा यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा लंच भी हो चुका है, बाहर आए थे सोचा फिर बाहर भी खिला देते, इसी बहाने लोखंडवाला भी घुमा दिया है, अभी चलते हैं। नहीं सही हुई तबीयत? इंग्लिश हाउ इज योर न्यू ड्रेस? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? इज वेरी कंफर्टेबल, आई लाइक इट। अम्मी आपके कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, लखनवी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी चूड़ी तो और चार चांद लगा रही है। सफेद में क्रीम में जो ऐसे रेड चूड़ी तो बहुत अच्छी लगती है। अलग ही हाथ दिख रहे, इतने प्यारे। तो बाहर किसी ने भेजी थी सर? हाँ, एक यंग फॉरएवर कोई बैंगल उन्होंने भेजी थी। सारे कलर थे। और ये जो मैंने चूड़ी पहनी है सनी की अम्मी लेके अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स इधर नीचे चली गई थी चाय वाय पीने के लिए, अम्मी से मिलने के लिए, अभी आ चुके ऊपर, अभी व्लॉग भी एडिट करना है, उसके बाद सब लोग करेंगे डिनर, से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अम्मा हमारी पढ़ रही है नमाज यहाँ पे, ये पढ़ रही है अम्मा। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? देखो क्या है। क्या सोचो समझो क्या है यार, जल्दी बताओ, टाइम तुम बताओ ना, कुछ हटाओ। ये कब लाया? मैं ले आया कभी। कुछ लिखा भी है क्या? हाँ। ओ वाह, सो स्वीट। अब रो रही नहीं लग रहा तुम? मैं नहीं रो रही, आई लाइक इट, थैंक यू। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है खुश करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। फ्लावर्स तो मेरे फेवरेट है, लेकिन जो तुमने लिखा है ना, थैंक यू सो मच, तुम अप्रिशिएट करते हो, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या सस्ती हूँ मैं? मेरे को जनरेटर चल के जनरेटर अभी सरप्राइज दिया, अभी लड़ाई हो जाए। तो अब हो गया खाना खाने का टाइम, अभी सभा कर रही थी वीडियो अपलोड, अभी उसका वीडियो अपलोड भी नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, पहले खाना खाएंगे फिर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक, पहले खाना लगाओ बाहर जल्दी, मम्मी सभा बैठ गए खाने की। चलो दिमाग नहीं, जाओ अगले साल तक भरेगा, बैठो जल्दी जल्दी। टाइम मिला, अभी जा रहे हैं रुहान से और भाभी से मिलने।
चलो भाई चाय पी चलो। अभी हो रहा है 11, मैं इरफान साहब और पापा जा रहे हैं चाय पीने। तो अभी हम लोग आ गए हैं चाय पी के, पापा को बहुत अच्छी लगी चाय यहाँ की। पापा को बहुत अच्छा लग रहा है मुंबई जाके भाई, बहुत मजा आ रहा है उन्हें। भाभी से मिलके आ चुकी और अभी जो काम है वो मुझे करना है इंस्टाग्राम का। सनी गए पापा को ड्राइव पे लेके और अम्मा जो आराम करिए किसी से कॉल पे बात करिए, तब तक जल्दी से मैं अपना इंस्टाग्राम का काम कर लेती हूँ। तो ये आउटफिट्स आए थे मुझे लॉस्टर क्लोजेट की तरफ से, मुझे उनकी स्टोरी डालनी। तुम्हारा संगोला नहीं खत्म हो रहा है। अब रूम साफ करके आप सबको दिखा दिया है और आप सब इतनी तारीफ कर रहे हो तो अब मोटिवेशन आ गया है कि अब रूम इतना सा भी खराब होगा तो उसे सबसे पहले ठीक करूंगी। और ये सुबह आयरन जो है वो जल्दी जल्दी में यही छोड़ के चले गए थे और इतना भारी सनी क्यों लिया है? भारी में अच्छा होता है किसी को लड़ाई में पड़ जाए ना, भारी अच्छा होता है, अच्छे दब के प्रेस होता है उसमें। तुम्हारा जैकेट मैंने चुरा लिया था भाई, मैं इतने हफ्ते पड़े दो हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, मिली तुम्हारे पास इतने सारे हैं, अपनी बहन को दे दो, दान में दे दो, ये लो फिर ले लो। रेहान मेरे भाई आज तुमने ऊपर का रास्ता कैसे ढूंढा? ना कल रिजापी का कुछ स्कूल में काम है तो वही बोलने आया हूं। इंग्लिश टुमारो यू हैव टू कम स्कूल पे रिजापी फीस फॉर हर बोर्ड रजिस्ट्रेशन। फाइनली हमने कश्मीर वाला पार्सल जो आज ओपन कर लिया आप सबको दिखाने के लिए, और हमने सोचा था हम भी तभी खोलेंगे जब आपको दिखाएंगे। मुझे कश्मीरी सूट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है और हमने जिनसे खरीदे थे उस टाइम पे उन्होंने हमें ये और सूट भेजे हैं, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाती हूँ। तो जो कश्मीर में हमारा डे वन था श्रीनगर वाला व्लॉग, मैं यहाँ पे उसका फोटो लगाती हूँ, आप चेक करना। वहाँ पे मैंने ग्रीन सूट पहना है, वो सनी को बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त उसमें और कलर्स अवेलेबल नहीं थे तो सनी उनसे बोल के आए थे कि जब भी आएंगे तो भेजना, तो उसके जितने कलर्स आए थे वो उन्होंने भेजे हैं। ये है और ये है इसका पैंट, और पैंट में भी नीचे एम्ब्रॉयडरी है, और एक ये है रेड कलर में। और पता है फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, ये कॉटन मटेरियल में है तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्दी में ये पहन सकते हैं, हम 12 महीने से पहन सकते हैं। और इसकी ये दो कलर्स और है, ब्लैक तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप मुझे ये बताओ इसका दुपट्टा ब्लैक होना चाहिए ऐसे बॉर्डर के साथ, या बेज कलर का दुपट्टा होना चाहिए, या फिर ब्लैक एंड बेज शेडेड होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स अनस्टिच्ड है, इसमें बस एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें दुपट्टे नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ ना कुछ हो जाएगा। और एक ये है दुपट्टे वाला, और एक उन्होंने मुझे प्यारा सा वहां से टोकन ऑफ लव कह सकते हैं बटुआ भेजा है कश्मीरी, इसमें मैं पैसे रखूंगी। तो उनका जो डिटेल है नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अगर आपको ऑर्डर करना है कश्मीरी सूट या कुछ भी तो आप उनसे कर सकते हैं। जा रही हूँ, मम्मी को भी दिखा दूं, उनको भी इंतजार था। जल्दी आना। नेक्स्ट डे हो चुके हैं फ्रेंड्स और हम जा रहे हैं रिजा के स्कूल। अब सही है तबीयत? थोड़ी थोड़ी सही है, हाँ सही हो जाएगी। क्या खा रही हो? तुम्हारे लिए तोड़ रहे थे अखरोट। इतने दिनों बाद कश्मीर के अखरोट खाने का मौका मिला, भूल ही गए हम। आप भी खा रही हो? हाँ आप भी खा रहे हो? सनी वो है इसने कैमरे के सामने ले तो लिया अखरोट, अगर बाद में कहेंगे खा लो तो कहेंगे मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। हमारे आज सारे बैंक के काम और रिजरहान के स्कूल के काम सारे हो गए, हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से क्योंकि दो दिन से हम लोग जिम नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्डियो चक्कर में जा रहे हैं सीढ़ियों से, थक गए हैं भाई। तुम्हारे अंदर हिम्मत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होने वाला है, वैसे आंटी सब बना के गई हैं, आपको दिखा देती हूँ क्या। तो ये भिंडी, और ये सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी उन्होंने, आलू की सब्जी चावल ये सब है, लेकिन मैं सोच रही हूँ बिरयानी भी बना दूँ। बनाओ बनाओ बिरयानी बनाओ, उसमें बिरयानी खाए। तो उसके लिए मैं सारी चीजें भी करके फिर आपसे मिलूं। रायता कौन बनाएगा? आप। आते साथ खाना देखने लगा क्या खाना है क्या खाना है, मैं प्याज हो रही है, जाओ कुछ खाना है। No, I don't want to eat. Now I'll go and I'll tell a maid to make omelette for me. But there must be paratha. But I don't want to eat paratha. ये चाकू ना बहुत ज्यादा, अब पता चला कि पतली प्याज काटना चाकू का कमाल है, हाथ बजाना चाहिए। कितनी पतली कटी हुई है ये चाकू, बहुत अच्छा है, कौन सी कंपनी का है? फिस्कर्स। और साथ साथ मैं कर रही हूँ अपना ये ब्रेकफास्ट ओट्स, एक घंटे में बन जाएगी बिरयानी। आ गई स्कूल से? तो आ गई हो, पढ़ने आई हो। अस्सलाम वालेकुम। हाय रिजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट। सुबह नहीं करके गई थी? अरे स्कूल की सुबह इतनी जल्दी मन नहीं करता, बस हाफ एन आवर और फिर बन जाएगी। नहीं भूख भी नहीं लगी अभी, कब तक बनाओ? अगर इसको ऐसे ही खा लेंगे। लेकिन अब इसमें नमक तेज हो गया बिरयानी के लिए, जब आप ये मसाला बनाते हो तो नमक एक्स्ट्रा तेज करते हो। अभी यहाँ सब बना रही है बिरयानी, बाहर बाकी सारे लोग आराम कर रहे हैं, मम्मी सो रही है, पापा बाहर बैठे हैं। ये अच्छी पढ़ाई हो रही है, वाह भाई वाह।
सो जाना। अभी उनको बहुत ज्यादा है। बिरयानी तो हो गई रेडी, अब बन रहा है यहाँ पे सैलेड। अब लगने लगी यहाँ पे लेयर, रेडी हो गया। सब कुछ हो गया रेडी और अभी चलते हैं बाहर, सब कुछ सेट करते हैं, फिर लंच करते हैं। बिरयानी तो ऐसे पहले बहुत बार बनाई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मुंबई में पहली बार कुछ बनाया था स्पेशली अम्मा पापा के लिए। तो ये था कि अच्छा ना बने तो कुछ ख़राब भी ना बने। अम्मा पापा के आने से घर में रौनक भी है और हम लोगों को अच्छा भी लगता है साथ में खाना खाना। हम लोगों को भी एक रूटीन सेट हो गया है, टाइम से खाना खाने का, टाइम से उठने का, हर चीज़। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसी है बिरयानी? अच्छी है, पास हो गई, अच्छी बिरयानी। पापा बताएं साहब कैसी बिरयानी? पापा कैसी बिरयानी? बिरयानी अच्छी है, बताओ अच्छी है कि नहीं, ये बताओ। बिरयानी अच्छी है, अच्छी है भाई। सही है। सब लोग साथ चलेंगे ना? पक्का चलोगे आप? वादा करो, बदल जाती हो। बदलते फाइनली खाना वाना खाने के बाद हम दोनों हो गए रेडी। अब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे जाना कहाँ है। हम लोग क्योंकि अम्मा पापा को इतना दूर ट्रैफिक में पसंद भी नहीं, और मुंबई में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, कहाँ लेके। तो वैसे मेरे हिसाब से कहाँ, मरीन ड्राइव चले या बैंड स्टैंड चले, तुमने मुझे कन्फ्यूज किया। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी डिसाइड ही नहीं हो पाया कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, और बारिश भी आ रही थी तो हम लोग आ चुके हैं इन्फिनिटी मॉल, और कार में सारे के सारे सो गए थे, इतना ट्रैफिक था, बारिश हो रही थी। सबसे पहले आ गया वेस्ट साइड में क्योंकि शायद आपको करानी थी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि वो मुंबई पहली बार आया है तो बनता है फिर वो एक दो दिन में चला भी जाएगा। तो बस वहाँ पे सब चूज कर रहे हैं। यही पसंद है, ये अच्छा लग रही है वाला। पक्का? ये अच्छा लग रही है। जब तक बिलिंग हो रही थी तब तक मैंने सोचा यहाँ पे कुछ होम का चीज़ें देख लूँ, लेकिन गोल्डन कुशन नहीं मिले तो मैंने एक पॉट ले लिया। लगता है बस ये घर की चीज़ें लेते ही रहो। मॉल आए थे तो सोचा चलो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, अम्मा पापा को कुछ दिला देते हैं। तो अभी हम आए हैं हर्ष पपीज के स्टोर पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पापा के लिए शूज। जो जूते पापा को चाहिए मिल ही नहीं रहे वाले जूते। तो वहाँ पे पापा को शूज पसंद नहीं आया तो अभी हम आ गए बाटा में, अब देखते हैं यहाँ पे उन्हें पसंद आते हैं। यहाँ पे वो लोग चूज कर रहे हैं। सही है। मेरे पापा को भी शूज पसंद आ गए, अम्मा के भी ले लिए और मैंने भी ले लिए। तुम तो जरूर लोगे अपने लिए। अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे। पापा ने भी कहा अच्छे लग रहे हैं बेटा। हाँ, कलर भी मेरा फेवरेट था और हील भी थी। चलो अम्मा पापा ने कुछ तो ले लिया, वो लोग ज्यादा कुछ लेते नहीं है, लेकिन हमने उनको बोला कुछ तो लीजिए कुछ तो लीजिए। फिर शूज तो सभी को पसंद होते हैं। अब मुझे पता चला कि सनी को क्यों शूज पसंद है, क्योंकि पापा को भी पसंद है। लावी से हमने सोचा अम्मा के लिए हैंड बैग ले लेते हैं, वो काफी टाइम से यूज कर रही थी, और एक वॉलेट भी ले लेते हैं। अब अम्मी लोगों को ऐसा वॉलेट चाहिए होता है जिसमें अंदर मोबाइल भी आ जाए, तो हम लोग बस वही चेक कर रहे थे। पूरी दुनिया आ गई है इस लेटर से, और इसको आना होता है बस लिफ्ट से। क्या तुम्हारा लिफ्ट खत्म नहीं हो रही है? अम्मा तक आ गई है यहाँ पे, सब मेरे वाले में शक्कर रहेगी प्लीज। यहाँ पे सब फ्री हो रहा है जूस ऑर्डर, सब लोग जूस पियेंगे उसके बाद चलते हैं कहीं और। ये कौन सी बात है, किसी की शक्कर नहीं पड़ेगी, शक्कर नहीं, नुकसान करता है ना मीठा। तो खाना पीना भी हो चुका है फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर। और अभी हम करा रहे हैं मम्मी का चश्मा टेस्ट। अम्मा कह रही छोटा फ्रेम का लगवाना है। चेंज ही कर दी इसको, आप मेकअप में मत रखिए।
बंद के आधे घंटे में इसको। तो ये वाला चश्मा हमने अम्मा के लिए लिया है, तुम्हें चाहिए? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अम्मा के लिए तुम्हारे लिए वीडियो को एंडिंग लेने के लिए आई हूँ और आपसे बताने हूँ कि अभी हम सोने लगे हैं। आज हमें जल्दी सोना था, फिर भी जल्दी कर करके भी एक बज ही जाता है क्योंकि सुबह जाना है मम्मी पापा के टेस्ट कराने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छा था, बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी। कि अम्मा पापा के सामने किचन में मैंने पहली बार इस बार कुछ बनाया था, ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, सबको बहुत अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छा लगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज शादी का ना वीडियो देखा जो मौदा वाले वीडियोग्राफर ने बनाया था, उसके ना कुछ कुछ क्लिप है हमारे पास, अगर आपको भी देखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ हल्दी कुछ मेहंदी ये सारे मिला के हम एक ब्लॉग बना के डालेंगे और कुछ कुछ अपनी बातें भी उस टाइम की शेयर करनी क्योंकि बहुत फनी था बीच बीच में। हाँ फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, लव स्टोरी वाला ब्लॉग भी हम इंशाल्लाह इस वीक में शूट कर लेंगे तो आपको सब देखने मिलेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।